तो मेरा नमस्कार, मैं प्रतीक सौरभ आपके लिए लेके आ रहा हूँ प्री यूपीएससी क्लासेस। प्री वर्ड, यस, इट्स कंप्लीटली फ्री। ओके, यहाँ पे ये मैं हूँ, यहाँ पे आप मुझे गाड़ी में देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा वही मानना है कि चलती का नाम जिंदगी। आप चलते रहिए, आप परेशान मत होइए, यू नो अप एंड डाउन्स विल कम इन लाइफ बट यू हैव टू मूव अहेड। और यहाँ पे शिव जी आप देख रहे हैं कि वो ध्यान के मुद्रा में। सो यू नो यूपीएससी इज इटसेल्फ अ बिग जर्नी। यहाँ पे आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। तो आप योग करें, आप एक्सरसाइज करें, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखें, आप खुद की मेहनत पे भरोसा रखें, और आप बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। आप यहाँ नहीं तो कहीं और से ही सक्सेसफुल जरूर रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ पे मैंने फ्री यूपीएससी क्लासेस इसीलिए लाई है, उसे काफी रीजंस है, अब हम उस रीजंस पे बात करते हैं। मेन रीजन जो है कि हमें ये पता है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है। अब जो गरीब है वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जो 25% पॉपुलेशन है इंडिया की एज पर नीति आयोग, वो पॉवर्टी के अंडर में है। तो जो पॉवर्टी, तो वो तो यूपीएससी उनके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है कि ठीक है, नाउ डेज सबके पास एटलीस्ट डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है, और इसके बाद आज हम देखते हैं कि वी हैव एटलीस्ट मोबाइल फोन्स, तो बेटर है रील्स और ये अननेसेसरी चीज देखने से बचें और कुछ पढ़ने का देखें। बहुत लोगों के सपने होते हैं पढ़ने के बट वो पूरे नहीं कर पाते, तो एक ये रीजन था। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे एक फ्री इनिशिएटिव निकालने का कि यहाँ पे मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में सब कुछ तैयारी करूँगा। तैयारी द सेंस कि आपका प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू की भी गाइडेंस हो, एसे राइटिंग हो, सब कुछ हो। द रीजन इज यहाँ पे इन यूपीएससी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, जो भी फ्री कंटेंट है वो सिर्फ थोड़े थोड़े हैं। मीन्स आपको चार कोई हिस्ट्री पढ़ा के चला जा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा दे रहा है, मतलब कोई हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है कहीं पर। फिर वो बाद में पेड कोर्स की तरफ चले जाते हैं कि आप 999 999 दे या ये करें। अब जो लोग उसके लिए भी सक्षम नहीं है वो कैसे करेंगे? तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वो पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि सोचते, चलो मैं इतना तो पढ़ लिया, नाउ आई कैन मूव टू दिल्ली, और दिल्ली में जाके फिर मैं कोचिंग के थ्रू कर लूंगा। बट ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऑलरेडी हम जानते हैं पॉवर्टी बहुत है, और अब जैसे कि अब दिल्ली में भी अगर आप आके करना चाह रहे हैं तो 2 लाख पर ईयर एक एवरेज हर कोचिंग का चार्ज है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, उसमें भी एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल, या आप ऑप्शनल भी लेते हैं तो और ज्यादा हो जाता है, या एटलीस्ट 2 लाख पर ईयर तो आपको पड़ ही जाता है। एंड यू नो कि इट्स अ कंप्लीट 18 मंथ्स प्रोसेस, तो 2 साल तक तो आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, मिनिमम टू मिनिमम, बिकॉज एज आई एम लिविंग इन दिल्ली, आप कितना भी कोशिश करें आपको 12,000 पर मंथ मिनिमम आपको यहाँ खर्च करना ही पड़ेगा। तो इट्स अराउंड 1.5 लाख पर ईयर। अब बात ये होती है कि 1.5 लाख पर ईयर अगर आप खर्च करिएगा, 2 साल आपको यहाँ रहना है, तो इट इज रियली ट्रबलसम फॉर मोस्ट ऑफ देम आई हैव सीन। होता ही है कि कुछ लोग एजुकेशन लोन पे आ रहे हैं, मतलब एजुकेशन लोन पे ग्रेजुएशन किया उसके बाद वो यहाँ आ गए। कुछ लोग जो हैं जमीन बेच के आ रहे हैं, मीन्स बहुत बुरी हालत है इन्हीं कोचिंग्स के लिए। और यहाँ पे मीन्स एक बिजनेस सा बना हुआ है, यहाँ कोई किसी का ये नहीं है, यहाँ सिर्फ बिजनेस है। तो आपको उस चीज से बचाने के लिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स, और मैं यहाँ पे, मैं खुद दिल्ली में हूँ तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि कैसे लोगों को परेशानी हो रही है। सेकेंड चीज ये थी कि केरला में आई हैव नोटिस कि पॉवर्टी सबसे कम है। तो मेरे दिमाग में ये है पॉवर्टी सबसे कम है, रीजन क्या है? मेन रीजन ऑब्वियसली बात है कि वहां पे जो एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, वो बहुत अच्छी है। तो इसी और ऊपर से एक, ये तो हम करंट अफेयर्स में भी यूज कर सकते हैं, कोट्टायम ऑफ केरला एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जो कि विदाउट पॉवर्टी है। बट हमने ये भी बहुत नोटिस किया है कि बिहार, यूपी, झारखंड, ये सबसे आईएएस आईपीएस बहुत निकलते हैं, बट यू नो ये पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया का। अराउंड 52% पॉपुलेशन ऑफ बिहार क्लासिफाइड एज पुअर।
झारखंड की 42% अराउंड, उत्तर प्रदेश की अराउंड 38%। इससे अब आईएएस आईपीएस निकल भी रहे हैं, इसके बाद भी वहां गरीबी कम नहीं हो रही है, वहां पे लिटरेसी नहीं है, जो पढ़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ एटलीस्ट कि जो पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं हो और एक प्रॉपर गाइडेंस हो टिल प्रीलिम्स टू द फाइनल सिलेक्शन। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आप सबके साथ। अब इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा, कैसे कवर करूंगा, अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए, एम जो है इस इनिशिएटिव का यही है कि नो नीड टू वेस्ट मनी इन कोचिंग, आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ कोचिंग करने के लिए, एटलीस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी अदर यूपीएससी रिलेटेड एग्जामिनेशन। यूपीएससी कोचिंग नहीं देखता है, वो डेडिकेशन देखता है और आपका लॉजिकल इन्फेरेंस कैसा है किसी चीज का वो चेक करता है। अब अगर हम बात करें, बट अगर आपने कोचिंग कर भी लिया है, अगर आपने कोचिंग कर भी लिया है तो आप, बट यहाँ पे आप डबल से कोचिंग नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ पे भी इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। और सेकेंड चीज कि एवरीवन शुड एबल टू स्टडी, यस मेरा ये चाहना है कि हर कोई स्टडी करे। एंड प्लीज आप महंगे टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागे। आप ये आपने पॉपअप देखा होगा मेरे पास, एक टेस्ट बुक ऐप का आया है, तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, उनके आंसर्स भी ठीक होते हैं, उनके आंसर्स भी ठीक होते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, क्वालिटी भी ठीक रहती है, आप वहां से वो प्रैक्टिस कर सकते हो। 300-400 रुपए में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाएं और वहां से आप खरीदें, ठीक है। आपको बड़े बड़े कोचिंग्स के पास जाके जरूरत नहीं है इतना पैसा बर्बाद करने की। और दूसरा, तीसरा मेन पॉइंट ये है कि फोकस ऑन प्री प्लस मेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस फ्री इनिशिएटिव में है कि प्री भी रहेगा मेंस भी रहेगा। तो हम जो है यहाँ पे दोनों को लेके चलेंगे, विल टीच यू ऑल द सब्जेक्ट, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। कैसे है कि अगर एक इंसान आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, आइदर इज सी सेट, जीएस, एसए, ऑल जीएस सब्जेक्ट और ऑप्शनल, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जब एक इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि यहाँ पे व्हाट आई हैव सीन एंड दिस इज द ट्रूथ ऑल्सो, यहाँ कोई एक्सपर्टाइज किसी में नहीं है किसी का, यहाँ सब पर आवर बेसिस टीचर्स को पैसा मिलता है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने को देखते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई आपको 5-10,000 पर आवर दे रहा हो, या करेक्ट इट्स पर आवर, तो आप वही सोचोगे कि इतना पैसा अगर मुझे मिल रहा है तो क्यों ना मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दे। तो यहाँ एक बिल्कुल मिथ है कि लोग बहुत ही एक्सपर्टाइज हैं। अब जो हैं, जो 10-15 साल से हैं, वो बिल्कुल एक आध सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, तो स्टार टीचर एंड ऑल, हमें स्टार नहीं बनना है ना, स्टार टीचर नहीं, यहाँ पे तो बस चांद की तरह रहना है कि सबको दिख जाए और सबका भला करे वो रोशनी से ना। अब वो भले रोशनी कहीं से भी मिली हो, सूरज से मिली हो, ये नॉलेज हमें कहीं से भी मिला हो, किसी टीचर के थ्रू मिला हो, किसी किताब के थ्रू मिला, उसी से हम सोसाइटी की भलाई करें, करेक्ट। इसके बाद ऑब्वियसली शेयरिंग इज केयरिंग, तो यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ नॉलेज कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नॉलेज तो आपको फ्री में दे रहा हूं, आपका भी एक काम है कि आप भी छोटे भाई बहन या जो और पढ़ना चाह रहे हैं, आप जो भी यहां से सीखें आप उन्हें सिखाएं, या फिर आप नहीं सिखा पा रहे हैं, कोई दूर है तो आप उनके साथ ये लिंक शेयर कर दें। बट मैं पहले कहूंगा इंस्टीड ऑफ शेयरिंग द लिंक, क्योंकि दुनिया तो वो व्यूज पैसों के पीछे है, मुझे नहीं, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स भी रहे काफी है, लेकिन आपको ये करना है कि पहले कोशिश आपको खुद करनी समझाने की, उसके बाद आप चाहें तो ये दिखा दें, या कोई दूर है आप नहीं कर पा रहे हैं बट आप चाहते हैं कि नहीं सबको भी मौका मिले पढ़ने का, तो बिल्कुल आप उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है आपके साथ सी सेट भी आपका तैयार करवाऊंगा, सी सेट क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा ट्रिकी हो गया है, ट्रिकी बोलना सही नहीं है, मीन्स आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत रहती है, आपको कॉम्प्रिहेंशन की ज्यादा जरूरत होती है। जीएस, जीएस मीन्स फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिलिम्स क्योंकि ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपके पास 10-11 लाख जो लोग होते हैं एप्लीकेंट्स, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेंट एंड एस्पायरेंट, एस्पायरेंट हो सकता है 6-7 लाख ही है जो मतलब एग्जाम एक्चुअली दे रहे हैं, तो उसमें से अराउंड 14,000 12,000 ऐसे लोगों को मीन्स देने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली ये हम साथ में देखेंगे। ऐसे की भी तैयारी होगी, ऐसे नॉट वंस अ वीक तो, बट एटलीस्ट वी विल
प्रैक्टिस इट वंस इन एवरी 15 डेज। ओके, मैं टॉपिक लेके आऊंगा, आपको होलिस्टिक प्रॉपर वे में उसे बताऊंगा, अप्रोच कैसे करना है, क्या करना है, कोशिश करूंगा कि एक आंसर मैं भी लिख के डाल दूं। ऑल्दो मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं वो आपके लिए कर दूं, सो दैट आप सबको भी एक रेफरेंस मिले और आप सब भी अपने आंसर जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, तो मैं आपको बाद में आप सबसे वो शेयर कर दूंगा। सेकेंड चीज है ऑप्शनल। सी, ऑप्शनल हर सब्जेक्ट्स का तो मैं नहीं करवा सकता हूँ, मेरा PSIR है, तो आई विल ट्राई कि मैं, अगर आपने अभी इनिशिएट कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बॉदर कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, नहीं तो आई कैन एश्योर यू कि ये भी आपको करवा दिया जाएगा। अदरवाइज लोग यहाँ पे आते हैं दिल्ली में 60-70,000 कहीं और दे रहे हैं ऑप्शनल के लिए, इधर आना जाना, लाइफ बहुत हेक्टिक और खराब हो जाती है सर। तो आपका काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहूंगा कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, फिर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, और खुद पे भरोसा रखें। अब हम आगे बढ़ेंगे कैसे, ठीक है, वो हम देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यह हम अप्रोच कैसे करेंगे कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली आई विल ट्राई की कवर हो जाए, साथ में कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि अब जो है न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहले मैंने सोचा था कि कोई भी एक कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग फ्री मटेरियल निकालती है, विजन या फिर इनसाइट से, अब GSS को, मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं मार्केट में, अच्छे रहते हैं नो डाउट, बट वो अब व्हाट आई फेल्ट कि वो अब उतनी काम के नहीं रह गए। आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे इस बार एक हनी बी पे क्वेश्चन आ गया था, अब वो हर चीज जो है वो उस मैगजीन में कवर नहीं होती, तो हमें हर डे जो है वो सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। हम वो करेंगे और बहुत डेडिकेटली करेंगे। इसके बाद अगर हम साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की बात करें, हम उसे करंट अफेयर्स के थ्रू ही करेंगे, और कुछ स्टैटिक भी पोर्शन रहता है, तो हम विजन टेस्ट सीरीज जो है ये सब चीजों को ठीक कर देता है, ठीक से करवा देता है, तो वो हम वहां से कवर करेंगे। बट मेजर जो भी इन्वायरमेंटल चीजें होती हैं, सी चाहे यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई भी फ्रेमवर्क हो इन्वायरमेंट का, या फिर कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ भी हर साल हो रहा है, तो वो हर बार न्यूज में तो होता ही है। 365 डेज के साइकिल में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो सब आज के टाइम में वहीं से ज्यादा पूछा जा रहा है ना। अब हम इन्वायरमेंट और हम इसकी बात करते हैं, तो अब आप सोचिए, अब इस बार स्क्वायरल पे क्वेश्चन आ गया था, गिलहरी पे, तो अब ये सोचने वाली बात है कि अब गिलहरी पे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये UPSC सिर्फ ये नहीं चाह रहा है कि आप ये किताब से रट लो, ये कोचिंग के नोट से रट लो, आप अपने आसपास क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, इनफैक्ट क्या आपने स्मेल फ्रेगनेंस पे भी क्वेश्चन देखे ना, कि आपने कभी 11th 12th में केमिस्ट्री कर रहे थे, वहां पे कैसी स्मेल आती थी, इस चीज की पंजेंट टाइप की स्मेल थी, क्या थी, तो देखिए ना, आस्क यू एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जनरल नॉलेज देखना चाहते हैं हमारा, हमारी अप्रोच देखना चाहते हैं, हमारी थिंकिंग देखना चाहते हैं, कि हम कैसे चीजों पे रिएक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो करंट अफेयर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैंने बहुत बार गलतियां देखी हैं, बाकी लोगों ने की, कहीं ना कहीं मैंने भी की है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो गलती अब आप सबसे भी हो, इसलिए हम करंट अफेयर्स पे तो बिल्कुल ही रहेंगे। और मैंने, आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि करंट अफेयर्स पे होते हैं, मतलब मैगजीन वगैरह पे काफी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स है, बट दिक्कत ये होती है कि वो एंड टू एंड नहीं ले जाते, कोई करंट अफेयर्स वाला करंट अफेयर्स ही करवा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में तो बस इकोनॉमिक्स ही करवा रहे हैं, बट आई विल मेक श्योर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कंप्लीटेड, वो हो जाना चाहिए, इट मस्ट बी कंप्लीटेड, ओके, विद इन द टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमारा जो भी सेशंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, बाइलिंगुअल मीन्स कि ऑब्वियसली PPT स्लाइड्स है, जो भी नोट्स हैं वो इंग्लिश में ही होंगे, बट मैं बीच बीच में विल स्पीक इन इंग्लिश, सो दैट इफ समवन इज नॉट दैट मच कंफर्टेबल विथ हिंदी, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। ओके, नाउ फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर डायनेमिक पोर्शन डेफिनेटली इट्स करंट अफेयर्स। नाउ व्हाट इज डायनेमिक पोर्शन, अगेन यू हैव सीन न्यू न्यू थिंग्स आर कमिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लाइक सम पॉलिसी चेंजेस और एनीथिंग, सो दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द करेंट अफेयर्स ओनली, एंड UPSC इज आस्किंग दैट सच काइंड ऑफ डायनेमिक क्वेश्चन, सो वी विल कवर इकोनॉमिक्स फॉर दैट, एंड फॉर स्टैटिक द क्रक्स ऑफ रमेश सिंह बुक, ओके, सो दैट आई हैव टेकन सम स्मॉल नोट्स फ्रॉम रमेश सिंह बुक,
सो दैट आई विल कवर इन लाइक 3-4 लेक्चर्स. बट यस, बिफोर दैट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, लाइक वॉट इज इन्फ्लेशन. इट सीम्स टू बी अ वेरी इजी टॉपिक, बट आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसे सेशंस बनाऊं जिसमें आपको ये जो भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या टाइप्स ऑफ बैंक है, कॉरपोरेट बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ये कुछ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर यूपीएससी. और जब मैं यूपीएससी बोल रहा हूँ, वो हर एग्जाम में यूज होता है, ठीक है, आइदर इट्स ईपीएफओ और बाकी फिर जो भी एग्जाम्स है. तो डेफिनेटली डू स्टडी. ज्योग्राफी के लिए जो है, मैं 6th to 12th एनसीआरटी प्रिफर करूंगा आप सबके लिए. रीजन इज ये काफी इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बाकी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, बट सारी चीजें यहीं से कवर हो जाती हैं, प्लस वाया करंट अफेयर्स डेफिनेटली. अब मैं हर जगह करंट अफेयर्स कह रहा हूँ. आप 1 साल बाद जब मेरे साथ लगे रहेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, आपको भी फील होगा कि प्रतीक सर बार बार करंट अफेयर्स क्यों कह रहे थे. ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. अब ज्योग्राफी में अगर हम बात करें कैसे करंट अफेयर्स, कि अब हम बोल सकते हैं कि ला नीनो कब आया, अल नीनो कब आया, अभी रिसेंट में न्यूज चल रही है, हम वहां से उसे कनेक्ट कर सकते हैं. अब अगर सपोज यूक्रेन एंड रशिया में वॉर चल रहा है, तो अब यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्रीज है, कौन से सी हैं, ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत हाई चांस होता है कि उससे क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है. तो ज्योग्राफिकल फैक्टर या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, वो काफी ज्यादा जो यूपीएससी पूछता है, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं. इसके बाद लक्ष्मीकांत से जो है हम पॉलिटी करेंगे, क्रक्स. बट इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लक्ष्मीकांत एक एक किताब जो है वो जरूर खरीदें. और उसको एक बार में तो समझ उतना नहीं आता है, बट आई हैव ऑल्सो सीन. बट अब 2 बार उसे स्टडी करें, मैं वीडियोस पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसे कवर करवाऊंगा, लेकिन आप ये जरूर पढ़ें. बाकी करंट अफेयर्स यहाँ भी कैसे कि कुछ नए अमेंडमेंट्स आ गए या बहुत सारी चीजें, वो लक्ष्मीकांत के हर एडिशन में नहीं रहती है ना, कि हर साल कुछ ना कुछ नया आते रहता है, बहुत बार वो आउटडेटेड हो जाता है. तो ये हमारा काम है कि हम उसे इस तरीके से तैयार करें कि कुछ मिस्टेक ना हो, हम आउटडेटेड डेटा हमारे दिमाग में ना रखें, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब एंग्लो इंडियंस के लिए भी 2 सीट रिजर्व हुआ करते थे, करेक्ट, बट अब वो नहीं है. बट हो सकता है कि अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो वहां पे आपको ये चीज दिखाई दे, ठीक है. हिस्ट्री के लिए विल डेफिनेटली टीच यू एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू वेरियस सोर्सेज एज पर द यूपीएससी एग्जाम. द रीजन इज कि हम बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं ले सकते हैं, बट जो भी पूछा जाता है डेफिनेटली आई विल कवर. हाँ, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप चाहते हैं कि कोई स्पेक्ट्रम या किसी पर्टिकुलर बुक से मैं थॉरली कवर करूं, तो वो आप बता सकते हैं, डेफिनेटली वो भी मैं करूंगा. और साथ में आपको एक मेंस के लिए कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के बाद एक मेंस का क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो प्रीवियस ईयर रहे तो बेटर है, अदरवाइज अदर क्वेश्चंस भी हम करेंगे. जैसे कि मान लीजिए, अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट में एक इन्फ्लेशन पे लाऊं. इन्फ्लेशन बहुत एक सिंपल सा वर्ड लगता है, बट यूपीएससी के लिए और इस एग्जाम के लिए एनालिटिकली समझना उसे, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. कि हमने एक किताब पढ़ गई रमेश सिंह, हमने न्यूज़पेपर पढ़ गया, बट ये सब टर्म्स हमें क्लियर ही नहीं हो रहे, समझ ही नहीं आ रहा, तो वो बहुत इश्यूज कराते हैं. तो अगर मैंने इन्फ्लेशन पे लाया, तो आई विल ट्राई कि ठीक है, एक इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन होना चाहिए जिस पे आप आंसर्स लिख दो, ओके. और वो फिर आप पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप पे. ग्रुप लिंक जो है मैं नेक्स्ट इसमें आपको मैं दे दूंगा, ओके. अदरवाइज आप प्रतीक सौरभ करके आप सर्च कर सकते हैं, इट्स अ यूनिक नेम, आपको बहुत ही कम मिलेगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके. चलिए, थैंक यू वेरी मच. और भी कुछ आपको चेंजेस लगे या कुछ ऐसा, तो प्लीज कमेंट में भी आप बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. इट्स pratik.saurabh@outlook.com. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच.